मेरा चेन निकल गया है, टूट गया है, वो मैं देखने के लिए नहीं खड़ा रहा हूँ कि मेरे को हो रहा था लेट। क्या भाई पता चला कि नहीं चला क्लास में? कुछ नहीं समझ पड़ा। क्या गाड़ी बगाड़ी? Hey guys, hope you all are doing absolutely great, but my bike is not. क्योंकि अभी अपाचे का जो ये पूरा चेन वेन है वो सब ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, निकल चुकी है और अभी मुझे हो रहा है कॉलेज जाने के लिए लेट। 9:30 बज चुके हैं आज। मैं वैसे टाइम से निकला था पर दिक्कतों की वजह से शायद अपन पहुँच नहीं पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ब्रिज के ऊपर और ये बिल्कुल ब्रिज यहाँ से चढ़ते समय ही बंद हुई है मेरी गाड़ी। बंद नहीं हुई है, उसका चेन जो है पूरा टूट गया है, तो अब हमें इसे किधर इधर किधर ही रखना पड़ेगा और फिर हम लोग जाएंगे सीधा कॉलेज। तो यहाँ पर एक सवेरा होटल कर है और वहाँ पर ही रखने का कुछ प्लानिंग कर रहा हूं मैं। अभी इसको खींच के लेके उधर रखते हैं और फिर निकलते हैं सीधा कॉलेज के लिए। यहाँ पर पुल है और पुल के जस्ट बाजू में होटल सवेरा, जो लोग आनंद में रहते हैं उनको पता होगा। तो अभी ऊपर बैठ गए हैं, जिसको धक्का मारते हैं डायरेक्ट ये नीचे उतरेगी और इसको वहां पर लगा देंगे। और ये देखिए कुछ आवाजें भी आ रही है अजीब सी। और ये रही होटल सवेरा और ये इधर हम लोगों ने बाइक को रख दिया है और ये वाले जो अंदर चाचा बैठते वो भी हमें पहचानते ही है थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, है ना चाचा? केम छो मजा मन है यहाँ पर बाइक वाइक रख दी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको क्या, अरे देखा चाचा अपन को एकदम मस्त ऐसे पहचानते और हमने बाइक ऐसे लगा दी है और ऐसे दिक्कत हो गई है थोड़ी बहुत, पर अब देखते हैं उसका क्या करना है क्या नहीं। अभी पहले जाते हैं कॉलेज ऑटो लेके, तो करेंगे उसका भी कुछ। परम सा जाऊ जा आगर भेजो आगर भेजो माथे भेज दिया और करम चले भाई के साथ आ गए रिक्शा के अंदर। क्या भाई मजा आ रहा है? बिल्कुल। और अभी सीधा जाएंगे करमसद मेडिकल कॉलेज, लेक्चर वेक्चर है वो सब अटेंड करेंगे, फिर अपनी बाइक को ले लेंगे। इधर रखी हुई है अपने बाइक ये वाला। पुल चढ़ते वक्त ही अपनी बाइक ऐसे उसका चेन पूरा टूट गया था, या चेन निकल गया है टूट गया है वो मैं देखने के लिए नहीं खड़ा रहा हूँ कि मेरे को हो रहा था लेट कॉलेज जाने के लिए। तो मैं सीधा ऑटो पकड़ के अभी जा रहा हूँ कॉलेज पहले, फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसका सारा काम जहाँ अपन लोग करेंगे। बड़ी मशक्कत के बाद पहुंच गए हैं कॉलेज में और अभी पहले अटेंड करते हैं क्लासेस, फिर करते हैं कुछ जुगाड़ बाइक का। क्या भाई पता चला कि नहीं चला क्लास में? कुछ नहीं समझ पड़े। गाड़ी भगाड़े? क्या गाड़ी भगाड़े? तो कितने बज रहे अभी? 12। हाँ भूख लगी है भाई, भूख लगी चावे लक्ष्मी। अच्छा ऐसा है। तो दोस्तों अभी हमारे क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, अभी बज रहे 12 और अभी हम लोग जाएंगे सीधे अपनी बाइक को लेने सवेरा पर पार्क है। अभी ढूंढते हैं किसी को किसका गाड़ी खाली है, उसके पीछे बैठ के निकल लेंगे। पता नहीं
पड़ रहा है, पर अभी गाड़ी को लेंगे यहाँ से, निकुंज भाई पीछे से धक्का मारेंगे और हम उसको पहुँचाएंगे गैरेज पर। थोड़ा रिस्की काम है पर करना तो पड़ेगा, ये टोइंग वोइंग का कुछ ज़्यादा ही तामझाम हो जाएगा और अभी मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं, और सही नहीं करवाऊँगा मैं गाड़ी तो मेरे को और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर वैसे की वैसे एकदम पार्क्ड है और अभी इसको लेके चलते हैं ना निकुंज भाई, लेके चलना है ना, चलना है गैरेज पे। यहाँ पर हम लोगों ने चेन तो चढ़ा दी है ऊपर, मैंने और अपने निकुंज भाई ने मिलकर, पर अभी इसको लेकर तो जाना ही पड़ेगा, तो अभी देखते हैं वहाँ तक चल जाती है कि नहीं गैरेज तक। अभी हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे थे, और अभी फ़िलहाल तो काम हो गया है चेन का, पर शायद मुझे लग रहा है कि ये हल्का हल्का सा ढीला हो गया है, तो इसको अभी लेकर जाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं श्री ऑटो केयर पर और बाइक का काम शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं क्या क्या दिक्कत है, और भी बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि बहुत टाइम से इसको सर्विस में रखना था पर मैं रख नहीं रहा था क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, और सर्विस में रखते हैं तो अपना एक आध दिन तो यूँ ही निकल जाता है पूरा। तो वो अभी हम लोगों ने बाइक से बात की है और उन्होंने ऐसा बताया कि अभी सर्विस का तो कोई सिलसिला नहीं हो रहा है, वैसे भी मानसून चल रहा है तो सर्विस करवा के कुछ फ़ायदा है नहीं, वापस गाड़ी बिगड़ने ही वाली है, तो उससे अच्छा तो बोल रहे कि चेन वेन टाइट कर देते जो भी हो रहा है वो। अभी तो वही डिसीजन लिया गया है, सर्विसिंग का थोड़ा और डिले होगा, बहुत सारी दिक्कत है गाड़ी के अंदर, पर अब क्या करें, मानसून है तो कोई फ़ायदा है नहीं सर्विस वर्विस करवा के, अभी देखते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये चेन ढीली होने की वजह से ये टायर भी अपना थोड़ा बहुत घिस चुका है, तो ये एक दिक्कत की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ये तो अच्छा है कि हम लोग किधर राइड पर नहीं थे, वरना तो बहुत ही बुरे फंस जाते आ रहे हैं। यहाँ पर आसपास में ही थे आनंद के, तो अभी अपना काम हो गया है तो अच्छी बात है। क्या भाई सुरती भाई हो गया है, अभी तो चेन स्प्रे करेंगे तो आ जाएगा। हाँ चेन स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो फिर दिक्कत वाला काम है। तो अभी भाई ने अपना काम पूरा एकदम कर दिया है और अभी पहुंचते हैं फ्लैट पर, है ना निकुंज। अभी हम लोग पहुंच गए हैं फ्लैट पर एकदम सही सलामत, और इसको आप मेरी शायद लापरवाही ही गिने क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सर्विसिंग करवाया नहीं है गाड़ी का जैसे मैंने आपको बताया। और अभी मतलब वो जो भैया थे गैरेज वाले उनसे हमारा मतलब पुराना रिश्ता है, तो उन्होंने ही बोला था और उनको पता सब पता है अपनी गाड़ी का क्या कितनी चलती है क्या नहीं होता, तो उनको सारी चीज़ें पता है, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि मानसून के बाद रखिए क्योंकि अभी मानसून है तो फिर वापस कोई उसका मतलब नहीं होगा सर्विस में रखने का, तो मैंने बोला ठीक है मानसून के बाद रखते हैं। तो उसी चक्कर में आज ये पूरा सिलसिला हो गया, कॉलेज में लेट पहुँचा और उसके बाद भी दौड़ा भागी थोड़ी बहुत हो गई। तो आप भी अगर ऐसा कुछ हो तो जल्दी से जल्दी अपनी बाइक के अंदर करवा लीजिए क्योंकि ये सारी दिक्कतें आती है, और मेन चीज़ ये होती है कि अपना काम जो है वो समय पर नहीं होता है तो वहाँ पर दिक्कतें आती है, बाकी तो कुछ है नहीं, छोटा सा ही काम था, चेन स्प्रे लगाया, ऑयलिंग किया और हो गया, दो तीन नट बोल्ट टाइट किया। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं फ्लैट पर, ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, इन देन स्टे ट्यून्ड।